तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम में पहुंच चुका, तो जैसा आप देख रहे हैं ये, तो जैसा आप देख रहे हैं ना इस, तो जैसा आप देख रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आज मैं आ गया। चलो दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए व्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई जिसान अली। और आज से आज जो मेरा व्लॉग है फिर से टूरिज्म को, उस पर पर्यटक को, उसमें तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कुछ इन करते हैं आज का व्लॉग, इसके करके हम आप देखना नहीं तो कुछ ना कुछ जानकारी आप छोड़ देंगे। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ फन करते हैं, कुछ मस्ती करते हैं आज के व्लॉग में। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम में पहुँच चुका हूँ नैनीताल किसान, नैनीताल की लेक के पास। और इस टाइम मैं हूँ बॉर्डर हाउस क्लब के पास। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है, ग्रीनरी पेड़ों की, ये देख सकते हो आप ये। और इधर की बात करें तो इधर आप देख सकते हैं कि क्या मौसम है, कितना प्यारा वेदर हो रहा है नैनीताल का। तो बोट से भी चलनी है जैसे आप देख रहे होंगे सामने, तो काफ़ी टूरिस्ट नैनीताल में आ रहा है। और नैनीताल में तो टूरिस्ट आता ही है, इतना तो आता ही है, नॉर्मली बात है, क्योंकि ये हिल स्टेशन है, टूरिज़म प्लेस है। तो और यहाँ पर जो है पूरा नैनीताल जो टूरिज़म पे उस पर है, तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आता है, दिल्ली से भी आता है, मुरादाबाद, चंडीगढ़, हरियाणा, गुड़गांव, बहुत से, और शिमला, और देश विदेश से भी टूरिस्ट यहाँ खींचा चला आता है। तो उसकी बात तो कुछ और ही है नैनीताल की। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा है ये यहाँ पे। और वेदर की बात करें तो आप देख सकते हैं पूरा मौसम क्लियर है बिल्कुल। और इस टाइम मैं हूँ फुटपाथ के पास ही बैठा हूँ मैं, जैसा आप ये देख सकते हैं ये। तो ये फुटपाथ का नज़ारा, तो काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है नैनीताल में। और इधर की तरफ है माल रोड जैसा आप देख रहे हैं। और लेकिन इस टाइम जो पेड़ों की कलियां निकलते हुए आ रही हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरी हरियाली दिख रही है एकदम से, और ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रहा है, पूरा माहौल भी अच्छा हो रहा है, वेदर भी अच्छा हो रहा है। और जो दिन में जो धूप की गर्माहट है उससे यह है कि गर्म जैकेटें हम नहीं पहनने, पतली जैकेटें पहनने हैं। और आने वाले जो दिन बढ़ते जा रहे हैं उसमें हम फिर टी शर्ट या कमीज में आ जाएंगे। तो अगर आप ला रहे हैं तो एक गर्म जोड़ी अपने संग लाइएगा, कभी भी नैनीताल का मौसम चेंज हो जाता है। फिलहाल कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं ये नज़ारा खूबसूरत। तो जैसा आप देख रहे हैं ये आज जो सजाया गया है फुटपाथ को, और पूरा चाट मार्केट तक सजाया गया है। तो आज है हनुमान जयंती, तो सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुछ इस तरीके से फुटपाथ को भी सजाया गया है, और पतंगी कागजों से ये देख सकते हैं आप पूरी सजावट। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम, हर तरफ सजावटी सजावट है, ये देख सकते हो आप ये। और जो अभी फुटपाथ की शॉप है ओपन नहीं हुई है, तो कुछ दिन में ये ओपन, कुछ दिन में नहीं मतलब 4 बजे से ओपन हो जाएंगी ये। सही पहचान है बेटे। तो जैसा आप देख रहे हैं ये, तो कुछ इस तरीके से है नज़ारा। तो ये देख सकते हैं आज मैं आ गया हूँ बैंड हाउस के अंदर, ये देख सकते हैं। और वहाँ से जो है अभी दरवाज़ा ओपन है, वहाँ कुछ मीटिंग चल रही है फुटपाथ वालों की, तो इसलिए मैं अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ था, अभी आगे चल के मैं दिखाऊँगा आपको। तो फिलहाल यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा आप देख सकते हैं ये नैनीताल की, नैनीताल की लेक का। और यहाँ से देख सकते हो आप कुछ ऐसा नज़ारा। तो कुछ ऐसा नज़ारा है ये देख सकते हो आप। तो वेदर तो काफ़ी अच्छा हो रहा है नैनीताल का, ये देख सकते हो आप। काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ से व्लॉग शूट कर रहा हूँ ये। तो काफ़ी दिलचस्प नज़ारा है नैनीताल का, देखने में भी लाजवाब है और आने में भी लाजवाब, और नैनीताल की बोटिंग करना तो और लाजवाब है, जैसा आप देख सकते हैं ये। तो इस तरीके से है नज़ारा।
तो जैसा आप देख रहे हैं ना, इस यहाँ पे शॉप लगती थी, यह है गार्डन, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो ये लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे नीचे गिर गया था, तो इसी वजह से जो है हमारा बंद कर दिया था। ये देख सकता हो, ये तो ये बरसात के दिनों में हमारा नीचे चली गया था, और अभी भी ये नीचे की तरफ जाने का है। ये देख सकता हो, ये तो ये देख सकता हो, और बिल्कुल लेक के पास ही है ये पानी देख रहे आप। ये देख सकते हो आप, पूरा नीचे को जा रहा है ये, और यहाँ से ये बात करो तो ये, और वेदर की बात करेंगे तो वेदर तो काफ़ी खुशनुमा, बड़ा प्यारा वेदर हो रहा है नैनीताल का। आप भी नैनीताल आइए घूमिए, और इन दिनों में आ सकते हैं या मई में आ सकते हैं, मई तक बहुत अच्छा वेदर रहता है, फिर जून से बरसात लग जाती है, मानसून आ जाता है, तो बरसात में फिर घूमने का नहीं होता है, लेकिन आजकल के दिनों में बहुत अच्छा वेदर हो रहा है घूमने के लिए। अगर आप आ सकते हैं तो नैनीताल आइए घूमिए, एक दिन पहले आने से पहले मुझसे इंस्टाग्राम में चैट करिए, नंबर प्रोवाइड मैं कर देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, तो आप इजीली नैनीताल घूम सकते हैं। फिलहाल अभी जो यहाँ का ये है तो कुछ इस तरीके से हुआ था, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नैनीताल के वेंडर ये जमीर भाई, नेशनल लॉकर फेडरेशन हमारी संस्था कोर्ट गई थी, और वहाँ पे ऑर्डर आ गया कि किसी भी वेंडर को नहीं हटा सकते जब तक उसके कानून के हिसाब से उनका सारी व्यवस्था नहीं कर सकते। आपको आज बता दिया गया है ये मार्केट कभी नहीं हट सकती, लेकिन ये मार्केट 2 मिनट में हट जाएगी, 2 मिनट में, अगर आप ऐसे ही रहेंगे। और उसके अलावा कुछ और बड़ी चीजें हैं जो जमीर भाई को, टीवीसी मेंबर को हमने बताया है, अगर वो लागू हो गया तो भाई साहब आज तो छोड़िए पूरी जिंदगी कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहीं नैनीताल छोड़ दीजिए, देश के किसी हिस्से में आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो आप चाहते हैं ऐसा हो तो अभी के बाद हम जितनी भी चीजें करें उसको समझिए, नहीं समझे आप पूछिए ना, क्या दिक्कत है, हम बताएंगे, हम आपको समझाएंगे। ये कोर्ट का ऑर्डर ये रहा, आपको भारत सरकार ने, जो अभी हम पूछ रहे थे पीएम स्वनिधि जो योजना की बात थी, लोन मिला ना, बहुत लोगों को मिला, भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया था, आज नहीं किया था, 18 मई 2021 को, कि जिस किसी को भी ये पीएम स्वनिधि योजना का लोन मिल गया है वो अगर उसको हटा देंगे लोन कैसे चुकाएगा, नहीं चुका सकता ना, तो इसलिए ये आदेश जारी कर दिया गया था कि उसकी लिस्ट, जिन लोगों को भी लोन मिला है उसकी लिस्ट थाने को भेज दी जानी, नगर पालिका थाने को लिस्ट भेजेगी, भेजा नहीं भेजा, ये लिस्ट भेज दी जानी है, क्यों, क्योंकि ना तो नगर फुटबाल में आज कुछ ऐसा नजारा है, आज है हनुमान जयंती तो उसके उपलक्ष्य में काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, और उधर चल रहा है भंडारा, तो भंडार की तरफ जो गाने बज रहे हैं तो इसलिए मैंने वहाँ कवर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से नज़ारा है। और अभी जो है यहाँ फुटबाल में शॉप भी ओपन नहीं हुई है, तो लगभग 4 बजे से ओपन होंगी, और 4 बजे से फिर यहाँ पर काफ़ी क्राउड बढ़ जाएगा, भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, तो उम्मीद करेंगे कि आप भी नैनीताल आइए और यहाँ पर घूमिए, और हसीन यहाँ से पल जो हमने संग ले जाइए, और उधर है नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक, उधर बोटिंग, काफ़ी लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो जैसा आप देख ही रहे होंगे ये नज़ारा खूबसूरत पर्यटकों का चहलकदमी करते हुए, और उधर सजा भी रखा, जैसे ये सजा रखा ये देख सकता, तो कुछ इस तरीके से है नज़ारा देख सकता है ये, और पेड़ों में कलियाँ आते हुए, तो ये देख सकते हैं। और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से नैनीताल आएंगे और आपको इजीली नैनीताल घूमने में आसानी होगी, कठिनाई नहीं होगी, और आपको अपना घर जैसा ही महसूस होगा नैनीताल। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम में हूँ माल रोड में, और यह है माल रोड का नज़ारा, कुछ ऐसा है ये देख सकते हो, तो यहाँ से हमारी माल रोड जो है शुरू हो जाती है, जैसा आप देख रहे हैं ये, और यहाँ से जो है पेड़ों की हरियाली देख सकता, ये कितनी प्यारी लगती है जब यहाँ से जाते हैं, पूरी नई कलिया से आ गई हैं, तो इस तरीके से है नज़ारा माल रोड का। और दिन में काफ़ी व्लॉगिंग करना काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि गाड़ियाँ जाती रहती हैं, ये देख सकते हैं चूरन, तो कुछ इस तरीके से है नज़ारा। और ये देख सकते हैं पहाड़ी टोपी,
ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और यह है माल रोड, कुछ इस तरीके से नज़ारा। आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ, देख सकते हैं अभी मोमो, ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं इसमें टाइमिंग कलिया। और इधर की तरफ चलेंगे तो हम देख सकते हैं नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक ये, और यह लोअर माल रोड। तो फाइनली यहाँ पे जो है मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लिया। आज का लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिस समय निरंतर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि मेरे ब्लॉग आप तो पसंद आ रहे हैं तो बाकी इसको ब्लॉग को शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसान अली नैनीताल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।